हेलो फ्रेंड्स, इसके रसोई की नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सूजी का केक, वो भी कटोरी में। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक बाउल को। तो मैंने सूजी केक बनाने के लिए एक बाउल ले लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे आधी कप रिफाइंड ऑयल। अब इसमें डालेंगे आधी कटोरी दही। और एक कटोरी पिसा हुआ चीनी, एक पिंच नमक। अभी सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने मिक्स कर लिया है सभी को। तो हम इसमें डाल देंगे एक कटोरी सूजी को। जितना हमने चीनी लिया था उतना ही सूजी डालेंगे। अभी सभी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये हमने मिक्स कर लिया है। अब इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो ये आधा घंटा हो चुका है। तो देखिए सूजी थोड़ा गाढ़ी हो गई है। तब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा दूध। और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम एक चौथाई चम्मच इलायची पाउडर, एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा। अब इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने मिक्स कर लिया है। देखिए ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला। अब इसको बनाने के लिए हमने ले लिया है कटोरी। अब सभी कटोरी में हम घी को अच्छी तरह से घिस लेंगे। इसी तरह से हम सभी कटोरी में लगाएंगे घी को। तो हमने सभी कटोरी में घी को लगा लिया है। अब हम सूजी वाले बैटर को डालेंगे कटोरी में। ज़्यादा हमें नहीं भरना है, आधी कटोरी से थोड़ा सा हम ज़्यादा रखेंगे। तो ये तीन कटोरी में भरने के बाद भी थोड़ा सा बैटर मेरा बच गया है। तब हम दूसरे कटोरी ले लेंगे एक और उसमें भी घी घिस देंगे और ये बैटर को हम डाल देंगे। तो ये हमने कटोरी में बैटर को डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, थोड़े थोड़े बीच में डालेंगे। तो हमने डाल दिया ड्राई फ्रूट्स को। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें डाल देंगे नमक और स्टैंड को। थोड़ा गर्म होने के बाद हम डाल देंगे सभी कटोरी को। तो हमने सभी कटोरी को डाल दिया है। अब इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम कर देंगे गैस का। अब इसे 20 मिनट के लिए बेक होने देंगे। तो देखिए ये सूजी का केक हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और डाल देंगे ऊपर से। बहुत अच्छे बनते हैं ये केक, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितने अच्छे बने हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नए नए रेसिपी के लिए। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।